हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स फॉर नीट, दैट इज प्रोफेस वन। पिछले कुछ सालों में इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए कि हर साल आप मान सकते हो कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो नीट 24 में इसका एक सवाल रहेगा इसी वीडियो से। तो अपने चार नंबर आज लॉक कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। और लास्ट में मैंने आपको एक NCERT एग्जाम का क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर आप करना कमेंट के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना ताकि आपके लिए और ऐसी वीडियो हम ला सके। क्लियर। तो प्रोफेस वन की बात करूं तो प्रोफेस वन इज लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्रोफेस टू। कॉम्प्लेक्स भी है, लॉन्गर भी है, पहली चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इसमें पांच सब स्टेजेस है, ठीक है, पांच अलग अलग फेज है। क्या? पहला है लेप्टोटीन, फर्स्ट फेज। लेप्टोटीन में क्या होता है, कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो क्रोमेटिन मटेरियल था, ठीक है, जो ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था कुछ भी, वो जो है अब क्रोमोसोम का शेप लेना स्टार्ट करता है, प्रॉपर क्रोमोसोम का शेप। तो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम जैसे ही बोला जाए हम कहेंगे लेप्टोटीन, बुके स्टेज। क्लियर। तो इसका एक ही पॉइंट तुम्हें याद करना है। सेकेंड पॉइंट है जाइगोटीन का। जाइगोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन इस पर आता ही आता है। जाइगोटीन में क्या होता है, अब सेकेंड स्टेप, क्रोमोसोम तुम्हारे बन चुके हैं, ठीक है, तो जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग होती है उन क्रोमोसोम्स की। तो दो क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, मतलब होमोलोगस का मतलब क्या, जो कहीं ना कहीं सेम दिखते हैं, तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनकी पेयरिंग हुई। इस पेयरिंग को हम लोग नाम देते हैं सिनेप्सिस। क्या नाम दिए, पेयरिंग, मतलब कपल बन गया, ठीक है, तो पेयरिंग हुई जिसको नाम दिया सिनेप्सिस, और उस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। क्लियर। अगर कोई पूछे पेयरिंग कहाँ पे हो रही है, मतलब वो क्रोमोसोम का कपल कब बन रहा है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होने से पहले शादी होनी जरूरी है, ठीक है, बच्चे पैदा करने से पहले शादी जरूरी है मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्लियर। जो पेयरिंग होती है, जो सिनेप्सिस होता है तुम्हारा, वो तुम्हारा जाइगोटीन में होगा, और सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तुम्हारा जाइगोटीन में ही बनेगा। दो पॉइंट्स नीट में आते हैं बहुत बार। अब जो ये कॉम्प्लेक्स है ये किसके बीच में, तो ये है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच, होमोलोगस। और कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, बाइवेलेंट या टेट्राड। तो कोई पूछे बाइवेलेंट या टेट्राड कहाँ बनता है, जाइगोटीन में बनता है। एग्जैक्टली बाइवेलेंट टेट्राड है क्या, अब देखो यहाँ पे आपको दो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पूरा एक आर्म है, ठीक है, एक तरफ एक क्रोमेटिड, दूसरी तरफ दूसरा क्रोमेटिड, फिर एक क्रोमेटिड, दूसरा क्रोमेटिड, तो दो क्रोमोसोम सेपरेट है इसलिए इसको बाइवेलेंट कहते हैं, और चार क्रोमेटिड है टिड, तो टेट्राड कहते हैं। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड। क्लियर। इनके बीच में होगा क्रॉसिंग ओवर आगे, तो जाइगोटीन ये समझ में आ गया। अब ये दोनों स्टेज ना इतनी लंबी स्टेज नहीं थी, ये दोनों स्टेज बहुत शॉर्ट लिव्ड थी एज कम्पेयर टू पकाइटिन, जो मेन स्टेज है। पकाइटिन एक लंबी स्टेज होती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट टू स्टेज, एनसीटी की लाइन नहीं है। अब पकाइटिन में होता क्या है, जो टेट्राड आपस में कॉम्प्लेक्स बना लिए थे, आपस में आ गए थे, लग गए थे, जुड़ गए थे, कपल हो गए थे, ठीक है, तो टेट्राड जो बाइवेलेंट था दो क्रोमोसोम्स, अब वो टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। वहाँ तक तो ऐसा दिखता है, हाँ कुछ हो रहा है, तो यहाँ पे क्लियरली माइक्रोस्कोप में हमको विजिबल हो जाएंगे। अब जैसे विजिबल हुआ है तो होता है रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर, समझ में आया, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज, इसको कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो कोई पूछे रिकॉम्बिनेशन किस फेज में होता है, तो पकाइटिन में होता है। किसके बीच में होता है, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम से उनके बीच में होता है, और उनके भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब क्या समझो, एक क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड और दूसरे क्रोमोसोम की एक क्रोमेटिड, तो नॉन सिस्टर, ठीक है, दो अलग अलग क्रोमोसोम से उनकी क्रोमेटिड आपस में क्रॉस करती है, इसलिए इसको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्योंकि एक ग्रुप में है, वो दोनों सेम क्रोमोसोम्स है, मतलब दो सेम टाइप के हैं, ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बट नॉन सिस्टर, ये MCQ नीट में आ रखा है बहुत बार। अब यहाँ पे हो रहा है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, या इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा, रिकॉम्बिनेस एंजाइम, रिकॉम्बिनेस नाम से समझ में आ जाएगा। जहाँ पे भी रिकॉम्बिनेशन हो, रिकॉम्बिनेस हो, क्रॉसिंग ओवर हो, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल हो, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा, जिस साइड पे क्रॉसिंग ओवर होगा वहाँ पे एक नोड्यूल बन जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो, अगर मान लो मेरा एक क्रोमोसोम था ये ऐसा इस तरीके से, अगर यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ तो यहाँ पे एक नोड्यूल बन जाएगा। क्लियर। नोड्यूल तो कहते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ये क्लियर। अब रिकॉम्बिनेशन तो हो गया, नोड्यूल भी बन गया, सब कुछ सही है। अब डिप्लोटीन में क्या होता है, वापस अब काम तो खत्म है, ठीक है, तो डिप्लोटीन में क्या होता है, जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बना था, जाइगोटीन में, वो तुम्हारा डिसोल्यूशन स्टार्ट करता है। इसको याद करने की ट्रिक है, डिसोल्यूशन यहाँ पे वर्ड आया DI, डिप्लोटीन डिसोल्यूशन। क्लियर। बट यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स थे, अब वो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स तो खत्म हो गया,
तो सिनेप्सिस वो थोड़ा सा दूर जा रहे क्रोमोसोम्स, अब दूर जा रहे बट वहाँ पे एक नोड्यूल बना हुआ है जो उनको क्रॉसिंग ओवर के पॉइंट पे जोड़ के रखता है, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जहाँ पे जेनेटिक मैटर का क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहाँ पे एक नोड्यूल है, ठीक है, वहाँ पे वो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट कैसी होती है, एक्स शेप्ड कायस्मेटा कहते हैं उसको, एक्स शेप्ड कायस्मेटा, क्लियर, एक्स शेप्ड कायस्मेटा कहाँ पे दिखता है, डिप्लोटिन में दिखता है, क्लियर। अब कुछ ऐसे प्राणी हैं, ठीक है, कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनके ऊसाइट, ठीक है, ऊसाइट में ये डिप्लोटिन स्टेज कुछ महीनों तक या सालों तक रहती है, ठीक है, ये पॉइंट पर याद रखने के लिए, वर्टिब्रेट्स के ऊसाइट्स में, ठीक है, डिप्लोटिन स्टेज लास्ट फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, क्लियर। अब एक्स शेप्ड कायस्मेटा बन गया था, प्रॉपर दिख रहा है वो एक्स शेप्ड कायस्मेटा, क्रॉसिंग ओवर हुई है, क्लियर। अब वो एक्स शेप्ड कायस्मेटा टूटता कब है, एग्जैक्टली पूरा क्रोमोसोम अलग कब होगा, तो वो अलग होगा डायकाइनेसिस फाइनल स्टेज, टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा ऑकर्स हियर, क्लियर। यहाँ पे तुम्हारा कायस्मेटा जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा, क्लियर। और यहाँ पे जो न्यूक्लियोलस था, जो बाकी प्रोफेस में हो रहा था, प्रोफेस ऑफ माइटोसिस में सेम होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, वो डिसअपीयर हो जाते हैं, दैट्स इट, क्लियर। तो मेन पॉइंट क्या है, यहाँ पे है एक्सेप्ट कायस्मेटा डिसोल्यूशन ऑफ सेंट्रोमियर कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है बिटवीन किसके, ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे तुम्हारा है सेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स सिनेप्सिस बायवेलेंट, दैट्स इट। तो तुम्हारा ये क्लियर है, तुम कोई भी क्वेश्चन कर लाओगे, ये क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। अब बायवेलेंट ऑफ मियोसिस वन कंसिस्ट ऑफ, प्रोफेस फॉर्म होता है मियोसिस वन में, तो क्या है ये, ठीक है, अब खुद दिमाग लगाओ कितने क्रोमैटिड थे, कितने सेंट्रोमियर होंगे, सेंट्रोमियर क्या था, ये देखो ये सेंट्रोमियर जो मैंने येलो से मार्क कर रखे, जो दो दो क्रोमैटिड को जोड़ के रख रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या इसका आंसर होगा। अगर ये कर पा रहे हो तो तुम्हारा ये टॉपिक तो क्लियर है, और इसके पीवाईक्यूज ट्राई कर लो, आई एम श्योर तुम इसका सारे पीवाईक्यूज बना लोगे, जितने भी मियोसिस वन प्रोफेस वन से आए हुए हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, लाइक ठोकना, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना और कमेंट करना कि भैया कैसी मुझे ये वीडियो लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देख लो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।